Hello everyone and welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another video in this process control playlist. Probably it is going to be the last video of this playlist, and I'm very sorry guys, first of all, because I could not upload this video before today as I was very much occupied with my work as well as videos of other playlists which were more important than this, I suppose. But I apologize and I thought let me upload this today, so I hope this is going to help you. Right, so as promised in the last lecture of this particular playlist, in this video we are going to cover characteristics of control valve, cavitation and flashing, valve flow coefficient, which is CV. Right, so at first we will start with the characteristics of control valve. Okay, so there are three commonly used characteristics of control valve, which are quick opening, linear and equal percentage. Right, so this is the graph, you can say, which we will be referring while explaining these three characteristics of control valve. Okay, so at first we will discuss about the quick opening characteristic. So in quick opening, relationship between the flow and the valve opening is approximately linear up to 60 to 70% of the valve opening, and after this limit the flow does not change rapidly with the valve opening. Let me show you how. In x-axis we have valve opening and in y-axis we have flow rate. इसका मतलब ये है कि x एक्सिस में जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना हम वाल्व को ओपन कर रहे हैं, एंड y एक्सिस में जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना हमारा फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है. सो क्विक ओपनिंग में क्या होता है ना कि 50 to 60% ऑफ द वाल्व ओपनिंग तक वो कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट लिनियर होता है. उसके बाद क्या होता है कि द फ्लो डज नॉट चेंज रैपिडली विद द वाल्व ओपनिंग. वाल्व ओपनिंग बढ़ता जाता है लेकिन फ्लो उतना रैपिडली उसको फॉलो नहीं कर पाता है. ठीक है, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिनियर कैरेक्टरिस्टिक. लिनियर में क्या होता है, फॉर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्रॉप फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाल्व ओपनिंग. सो एज यू कैन सी दिस इज द लिनियर कैरेक्टरिस्टिक. लिनियर में जितना वाल्व ओपनिंग होगा, जितना परसेंटेज वाल्व ओपनिंग होगा उतना ही परसेंटेज फ्लो रेट होगा. राइट, so you can say there is a direct relationship between the flow and the valve opening. So idhar mein kya hota hai, there is a relation q by q max equal to s by s max, where s is the stem position, s max is the maximum stem position, q is the flow rate, q max is the maximum flow rate. So ye jo formula hai na, is formula se gate wagera mein kabhi kabhi questions aa jate hain. Okay, so make a note of this. In linear characteristic, valve capacity is equal to travel. Jitna wo ट्रेवल करेगा उतना ही उसका कैपेसिटी होगा. राइट, इक्वल परसेंटेज में क्या होता है, इक्वल परसेंटेज में इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वाल्व मूवमेंट. इक्वल परसेंटेज में वाल्व मूवमेंट का इक्वल इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, जो गेन होगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू फ्लो थ्रू द वाल्व. राइट, वाल्व के थ्रू फ्लो जितना बढ़ेगा जो गेन होगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा. राइट, गेन लो होगा जब वाल्व नियरली क्लोज हो जाएगा, गेन सबसे हाई होगा जब वाल्व नियरली ओपन हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज मेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ट्रेवल वाल्व. ठीक है, सो आई होप थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंट्रोल वाल्व आर क्लियर टू यू. नाउ लेट अस डिस्कस कैविटेशन एंड फ्लैशिंग. फ्लैशिंग को पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद आते हैं हम कैविटेशन पे. फ्लैशिंग इज नथिंग बट अ रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो व्हिच कॉजेस द फ्लूइड टू रीच इट्स वेपर पॉइंट व्हेन द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज डिक्रीजिंग. फ्लूइड का प्रेशर कम होते जाएगा, फ्लूइड अपने वेपर पॉइंट तक पहुंचेगा. किसके वजह से, फ्लो में एक रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से. ठीक है, एंड उसी चीज को हम बोलते हैं फ्लैशिंग, उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं फ्लैशिंग. इट ऑकर्स व्हेन फ्लूइड वेपोराइजेस एंड रिमेन्स ए वेपर. वेपराइज हो जाएगा फ्लूइड, और अगर वेपराइज होके वेपर बनके ही वो रह गया वो फ्लैशिंग तभी होगा. इट इज ए कंडीशन इन लिक्विड फ्लो व्हेन प्रेशर फॉल्स बिलो वेपर प्रेशर एंड रिमेन्स बिलो इट. राइट, एंड उसके वजह से क्या होता है, मेटल इरोजन हो जाता है. मेटल डैमेज कॉज्ड बाय फ्लैशिंग इज स्मूथ एंड शाइनी. स्मूथ एंड शाइनी डैमेज हो जाता है फ्लैशिंग की वजह से. राइट, अभी हम लोग बात करते हैं कैविटेशन के बारे में. कैविटेशन क्या है, कैविटेशन कब होता है. कैविटेशन ऑकर्स व्हेन फ्लूइड वेपराइजेस एंड रिटर्न्स टू लिक्विड स्टेट एज प्रेशर इंक्रीजेस डाउनलाइन. फ्लैशिंग में क्या था, वो वेपराइज होके वेपर स्टेट में रह जाता है, लेकिन वेपराइज होके जब लिक्विड स्टेट में रिटर्न हो जाता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है.
तो उसके वजह से जो फेनोमेना होता है, जो डैमेज होता है, उसको हम बोलते हैं कैविटेशन। एज द लिक्विड पासिस थ्रू अ रेस्ट्रिक्शन, इट कॉजेज लिक्विड वेलोसिटी टू इंक्रीज एंड प्रेशर टू डिक्रीज। रेस्ट्रिक्शन के थ्रू पास होने से लिक्विड का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप कैसे मानोगे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आपके पास एक नल है, ठीक है, आप उसके सामने मतलब उसका जो टिप है उसको पकड़ के रखो, आप देखोगे कि उसके थ्रू जो लिक्विड आ रहा था उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसा है कि लिक्विड जब भी एक रेस्ट्रिक्शन के थ्रू पास होता है उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। राइट, नाउ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्ट। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो उस वेलोसिटी के ऊपर नहीं जा सकता या उस प्रेशर के नीचे नहीं जा सकता। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम प्रेशर, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वेना कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वेपर बबल फॉर्मेशन व्हेन प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉल्स नियर द लेवल ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर इज नोन एज कैविटेशन। राइट, अभी क्या होगा? When the pressure recovers downstream, the vapor bubbles implode and return to liquid form. After the initial bubble formation and collapse, the bubble may reform and collapse a second time. तो अब क्या होगा ना, बबल्स बनेंगे, बबल्स कोलैप्स होंगे। ठीक है, लिक्विड माइक्रोजेट्स फॉर्म व्हेन रिकवरिंग प्रेशर फॉर्म्स एन इंडेंटेशन इन बबल, थस माइक्रोजेट बर्स्ट थ्रू द बबल। बर्स्टिंग हो जाएगा, ठीक है, बबल फॉर्मेशन के बाद मेटल डैमेज होगा इससे, एंड मतलब वो एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर लेगा जो बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है। एंड कंट्रोल वाल्व्स में मेजर सोर्स ऑफ डैमेज है कैविटेशन। जो प्राइमरी फैक्टर्स है कैविटेशन डैमेज में वो है कैविटेशन इंटेंसिटी, द मटेरियल्स यूज्ड, लेंथ ऑफ एक्सपोजर टू कैविटेशन, वाल्व साइज एंड डिजाइन ऑफ वाल्व एंड ट्रिम। अभी कौन कौन से ऐसे कंट्रोल वाल्व्स है जो ज्यादा ससेप्टेबल है कैविटेशन डैमेज के प्रति? वो है हाई रिकवरी बॉल वाल्व एंड बटरफ्लाई वाल्व्स। राइट, अभी आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है वाल्व फ्लो कोएफिशिएंट, सीवी। सो व्हाट इज वाल्व कोएफिशिएंट? वाल्व कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ वाल्व व्हिच टेक्स अकाउंट ऑफ इट्स साइज एंड नेचुरल रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो थ्रू द वाल्व। ठीक है, जो सीवी है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, क्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी होल टू द पावर हाफ। ओके, सो इस फॉर्मूला से जो हम सीवी कैलकुलेट करते हैं उसको कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं कि वल्व का एक सुइटेबल साइज और टाइप डिसाइड करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये टेबल दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आई हैव रिटन द वैल्यूज ऑफ सीवी ऑन द राइट हैंड साइड एंड द वैल्यूज ऑफ वल्व साइजेस इन इंच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप इस टेबल से ये पता कर सकते हो कि अगर वल्व का साइज 1/4 इंच होगा देन इट्स वल्व कोएफिशिएंट इज 0.3 और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर वल्व किसी वल्व का वल्व कोएफिशिएंट 0.3 है तो उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि उसका साइज है 1/4 इंच। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर उसका सीवी वल्व कोएफिशिएंट 108 है तो उसका साइज है 3 इंच, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक 3 इंच वल्व का सीवी 108 होता है। ओके, सो दिस टेबल गिव्स यू ए कंपेरिजन बिटवीन वल्व साइज एंड इट्स कोएफिशियंट। ओके, सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कीप फॉलोइंग प्लेसमेंट बडीज एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।